किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ओलेरी कल्चर यानी सब्जी की खेती से जुड़ी हुई। हमारे साथ जो युवा साथी है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बीएससी के स्टूडेंट हैं। दूसरा, ये अहम इसलिए हो जाता है कि जब अपने माता पिता के साथ कोई युवा वर्ग इस तरीके से खेत में आता है तो डायरेक्ट एक मुनाफा मिलता है कि अपने खेती की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये युवा साथी जो हमारे साथ हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं अपने पिता के साथ, किस तरीके से नॉलेज भी बढ़ावा दे रहे हैं, बेसिक एग्रीकल्चर होने का फायदा उठा रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे क्या कुछ इनको बेनिफिट मिला। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, एक बार छोटा सा परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। सारे वीर भरावां नूं सत श्री अकाल, पहला तां जिहड़े अपना चैनल देख रहे हैं। भाई साहब आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 20-20 होगी। 22 साल के आप हो गए। एजुकेशन के बारे में और बता दो, अभी क्या चल रहा है आपका? बीएससी एनिमेशन दी चल रही है। ओके। अपने जो 54 कद्दू की खेती आपने कर रखी है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको लगाया कब जाता है? इसको 11वां महीना 10 तारीख तो पहले दी बिजाई शुरू खत्म हो जाती है। ठीक है। कितना बीज डालना पड़ता है सर एक एकड़ में? इस एक डालना पड़ता है 400-500 ग्राम तो पड़ जाता है लगभग। ठीक है जी। फुट पे लगता है एक। ठीक है सर, मैं आज जानना चाहूंगा बिजाई से पहले जब अपने भूमि तैयार करते हैं तो उस दौरान इसमें खाद वगैरह क्या कुछ डाला आपने? खाद तो रूड़ी की डालते हैं ज्यादातर, तो जहाँ मुर्गियां की होती है वो पा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है डीएपी यूरिया इत्यादि कुछ? ज्यादा यूरिया नहीं पड़ता है, डीएपी जरूर पा देना। ठीक है जी। बीज आपने बताया 400-500 ग्राम ही प्रति एकड़ का लगता है। अब बात आती है कि आपने लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? इसकी फुट 1.5 फुट रख देते हैं कभी। ठीक है। ज्यादा मल जाता है। आपने सब्जी की खेती बेड पे कर रखी है, इसका थोड़ा सा रीजन बताएं कि बेड पे ही क्यों लगाया, डायरेक्ट सोइंग क्यों नहीं किया आपने? बेड पे इस करके लाया भी जब पानी लाते हैं ना, जो थल्ले लाते तो गल जाता है पानी लाके, चप्पन होता है। ठीक है। इसके इसको जड़ से ही पानी मिलता है, अभी ऊपर नहीं आता हूँ। हल्की नमी चाहिए सिर्फ, ज्यादा गहराई पानी वाली की जरूरत नहीं है। ज्यादा पानी की लोड़ नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर कि इसमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिनों बाद इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है? जे गर्मी दे हिसाब ना, ज्यादा गर्मी पे 10-15 दिन बाद पानी लगता है इसको। 15 दिनों बाद। और सर्दियों में? सर्दियों में तो बहुत टाइम लगा जाता, 20-25 दिन लगे। ठीक है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने इसके ऊपर ये लो टनल फार्मिंग कर रखी है, इसका करने का क्या कारण है? ये ज्यादा सर्दियां कोहरा नहीं पड़ता है, जिसको पंजाबी में कोहरा कहते हैं। जी जी। हाँ, कोहरा पड़ता है तो उससे बचाव कर देता है, नहीं मच जाते हैं। यानी इसके पौधे जब छोटे होते हैं तो पाले का अटैक ना पड़े, इसके बचाव हेतु आपने लो टनल इसके ऊपर लगा रखा है। ठीक है जी। भाई साहब ये बताइए 54 कद्दू की सीड रेट यानी बीज दर कितनी रखती है? बीज रेट इसकी मतलब बीज रेट अपना 1-1.5 किलो पै जाता है। 1-1.5 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है। हाँ जी। अभी आप ये बताइए कि जैसे आपने सोइंग कर ली तो बिजाई के कितने दिन बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है? इसकी 40-45 दिन के बाद हो जाती है तुड़ाई। 40-45 दिन बाद अपने पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। कितनी तुड़ाइयों में सारी जो कम्प्लीट हो जाती है? ये मार्च अप्रैल तक चल जाता है, जैसे बंदे अपनी समाई दे छरते चल रही है। ठीक है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर प्रकृति की मार ना पड़े, सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो 1 एकड़ से कितनी की इनकम इससे ली जा सकती है? ये हो जाता है भी 200 क्विंटल दे, लगभग 150-200 क्विंटल हो जाता है। और भाव क्या कुछ मिल जाता है आपको? भाव अभी चल रहा है जिसमें 30 रुपये चल रहा है। दूजी गल बाकी पानी की बचत है। ठीक है। दिनों दिन हम पानी की मात्रा घटती तुरी जा रही करके फिर आना चाहिए। मैं कहना सारे मेरे वीर भरावां नूं नवें मुंडियां नूं, बाकी बहुत वधिया काम है जी, नाले डेली खेत रौनक लगी रहिंदी, 4-5 बंदे काम करदे आ। ठीक है। काफी अच्छी बात भाई साहब ने कही, किसानों का एटीएम इसे कह सकते हैं, एनी टाइम मनी, जब आप चाहोगे तब आपके जेब में पैसा होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज इन जो किसान साथी हैं इनसे जानना चाहूंगा, आपने खासकर युवाओं के लिए एक मैसेज दिया कि आप खेत में लगोगे तो इस तरीके से आपने बताया इनकम भी बढ़ेगी, साथ में आपका जो शारीरिक है एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। आप मेनली ये बताइए कि जो युवा वर्ग नशे में आजकल लिप्त होता जा रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ तो अपनी सरकार की भी गलती है जी, पहले वह जहाँ मतलब अपन वो नहीं दिता जाता ना, इस प्रबंध नहीं मिलता, पहले तो नशा जोड़े बेचने वाले उन्होंने बंद करवाना चाहिए भी मुंडे मिले ना, तो दूसरे मेरे वीर भरावान भी ये कामों कुछ नहीं रखा भी छो यार कि आम नवें कामों पो, कोई डेयरी फार्मिंग करो, कोई भी करो, नेका काम ने भी जो जो वधिया लगता वो करो।
ठीक है भाई साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको खेती का एक एक्सपीरियंस भी है, तो आप हमें ये बताइए इस खेती में ऐसा कोई रोग या कीट भी आता है जिससे किसान को डर रहे कि अपने को लागत है वो ज्यादा आ जाएगी और अपने घाटे में चले जाएंगे? ज्यादा तो इन्हों तेला ते फंगस है, फंगस पैंदी है जी, ओहदे वास्ते आपां M45 कर देना, ताकत वास्ते 19-19 भी कर देना जी, 13-0, 13-0-45 ऐदा सारिया दवाइयां जिवें जिहड़ी ठीक लगदी है अपने अपने वास्ते करी जांदा। ठीक है किसान भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया सब्जी की खेती में एक तो खासकर किसी भी सब्जी में आप ध्यान रखें फ्लडी पानी लगाने से बचें, जिससे कहीं ना कहीं पानी की बचत तो होगी होगी, साथ में रोग व कीट भी कम लगेंगे। इसके अलावा जो किसान साथी ने हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि आप जैसे जो युवा वर्ग है खासकर नशे से पत्ते से बचें और अपनी खेती जो अपनी पुश्तैनिक है उसको बचा करके रखें और अपनी इनकम बढ़ाएँ। तो लखविंदर भाई ने अपने को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद सर, तुम निके किसान इन्ना माण बख्शन शुक्रिया सर का। ठीक है, भरा खड़े हैं सामने।